नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 25 क्वेश्चन दोस्तों, जो साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से लिए गए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न बार बार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों की चर्चा किया हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं टॉप 25 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों, आप कमेंट करके भी बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न इन 25 प्रश्नों में से सही हुए। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन ए में है धूप, बी में है जल और सी में है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जिसे कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी धूप, जल और क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरत होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? धूप की भी, जल की भी, क्लोरोफिल की भी। तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। तो दोस्तों, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? चारों ऑप्शन को जब रीड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्रव्य ध्वनि होती है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? प्रश्रव्य ध्वनि होती है दोस्तों, जिसके कारण चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, चमगादड़ किस वजह से वो अंधेरे में उड़ते हैं? तो आप बोलेंगे दोस्तों, प्रश्रव्य ध्वनि के कारण वे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। और दोस्तों, बता दूं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या बोला जाता है? वह देखिए, उन्हें बोला जाता है प्रश्रव्य तरंगे। ठीक है, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली जो तरंगे होती है उसे क्या बोला जाता है? प्रश्रव्य तरंगे बोला जाता है। तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज होता है आवृत्ति का एसआई मात्रक। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। प्रश्न है, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। तो चारों ऑप्शन को रीड करेंगे दोस्तों तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ने सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का निर्माण किया था। और दोस्तों, आपको बता दूं, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। कब पाए थे साहित्य में नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में। ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी भारत में पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और कब पाए थे? तो 1913 में। डेट भी याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि थे। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न भी बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों ये प्रश्न है, और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, रसोई गैस एक मिश्रण है। तो दोस्तों, रसोई किसका मिश्रण है? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चारों ऑप्शन को दोस्तों पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, रसोई गैस का मिश्रण है। रसोई गैस एक मिश्रण है, किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब था। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। और बता दूं, पूछा जाता है दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस मॉडल पर? हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसे भी दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों, ये भी यह पूछा जाता है, तो 1 मई 1897 ईस्वी को। कब की थी? 1 मई 1897 ईस्वी को रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहां थी। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर थी। कहां थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन देखिए, दसवां प्रश्न है, दसवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक वर्ष यानी कि 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और याद रखेंगे दोस्तों 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, यानी कि नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस भी पूछा जाता है, तो 4 दिसंबर ये भी याद रखेंगे। और 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों, क्रिसमस दिवस। तो चारों डेटों को आप जरूर याद रखेंगे। और इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे दोस्तों जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कोयला चोरी रोकने हेतु मोबाइल ऐप का प्रारंभ हुआ, कोयला चोरी रोकने हेतु मोबाइल ऐप प्रारंभ हुआ, यानी कि कौन सा मोबाइल ऐप प्रारंभ हुआ है कोयला चोरी रोकने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, खान प्रहरी ऐप स्टार्ट किया गया है कोयला चोरी को रोकने हेतु, यह मोबाइल ऐप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बारहवां प्रश्न देखिए, बारहवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है प्रश्न ये। लोकसभा के सत्र का अवसान किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा अवसान किया जा सकता है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेरहवां प्रश्न बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार होता है, किसके कारण गोलाकार होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण साबुन का बुलबुला गोलाकार होता है, इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौदहवां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमि है, यानी कि स्थल है कितना परसेंट भाग, लगभग 30% भाग। और एग्जैक्ट पूछे तो दोस्तों आपको बता दूं 29% दोस्तों भाग है, कितना है 29% भाग स्थल यानी कि भूमि है, और 71% भाग दोस्तों क्या है, जल है। भूपृष्ठ का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है, तो 29% है और 71% क्या है, जल है। लगभग में पूछा है तो 30% आंसर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी बार बार पूछा जाने वाला है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है, तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है, जयपुर में, तो इसे भी दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपके लिए बहुत ही अच्छी एक ईबुक आई है, उसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। देख लीजिए दोस्तों, ये ईबुक है पंचम पब्लिशर की दोस्तों, ईबुक है बहुत ही अच्छी ईबुक है दोस्तों, हिंदी में दोस्तों ये ईबुक है। आपके आगामी जो भी दोस्तों परीक्षा होने वाले हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की एग्जाम देंगे, एसएससी जेडी की देंगे, यूपी पुलिस एसआई की देंगे, ठीक है, वीडियो की देंगे, लेखपाल, रेलवे या एसएससी की कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं या कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं, तो दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट ईबुक है दोस्तों। इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं दोस्तों। इस ईबुक में और आपको क्या मिलेगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 50-50 क्वेश्चन के, और प्रैक्टिस सेट के तुरंत जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया गया है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। और बता दोस्तों इसके साथ 10 आपको ऑनलाइनर सेट भी मिलेंगे। 10 ऑनलाइनर सेट कहने का मतलब क्वेश्चन आंसर, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकें। और दोस्तों बता दूं क्वेश्चन किस टाइप के हैं, तो साइंस के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, और करेंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। पंचम पब्लिशर ने इस ईबुक की कीमत 150 रुपये रखी थी, लेकिन मेरे कहने पे दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपये में मिल जाएगी दोस्तों। और इसको आप ले कहाँ से सकते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया हूँ, आप कहीं से भी दोस्तों इस ईबुक को मात्र 25 रुपये में ले सकते हैं दोस्तों। ये ईबुक है पीडीएफ नोट्स की तरह है, ये आपके मोबाइल में ही खुलेगी और मोबाइल में ही डाउनलोड होगी, ये दोस्तों मार्केट में या ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। ये ईबुक बहुत ही अच्छी है, मैं इसे खुद देखा हूँ, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं दोस्तों। इस ईबुक को लेने में आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है, डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या हो रही है, तो नीचे दिए गए दोस्तों यहाँ पे नंबर देख रहे होंगे 8115800488, ये पंचम पब्लिशर की दोस्तों नंबर है, आप इस पर कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये ईबुक मेरे देखने में अच्छी लगी है, आप भी देख लीजिएगा दोस्तों, अच्छी लगे तो इसे जरूर ले लीजिएगा। अगर जो दोस्तों आपके एग्जाम में कम भी समय बचा है, तो इस ईबुक को दोस्तों आप जरूर पढ़िएगा, काफी आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दोस्तों, 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है दोस्तों, हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध वादक हैं, हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हरि प्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसे दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इन्हें भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। प्रश्न है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। दोस्तों ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे। किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19वां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों यह प्रश्न। प्रश्न है, पिन कोड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1972 ईस्वी को पिन कोड प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों कब किया गया था पिन कोड? 15 अगस्त 1972। डेट भी पूछ ले तो याद रखेंगे, 15 अगस्त 1972 को पिन कोड प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों ये भी पूछा जाता है, पिन कोड कितने अंकों का होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, पिन कोड 6 अंकों का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? बार बार पूछा जाने वाला है प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वुल्फिया। वुल्फिया दोस्तों सबसे छोटा फूलों वाला पौधा है, तो इसे भी दोस्तों क्या करेंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 21वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये प्रश्न है, ये बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, और ये बार बार दोस्तों पूछा जाने वाला प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म से एक और रिलेटेड प्रश्न बनता है दोस्तों, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? 24 टोटल तीर्थंकर हुए, पूछा जाता है 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। तो इनका नाम भी दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला भी प्रश्न है। प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में किस गैस का प्रयोग होता है? रेफ्रिजरेटर जिसे दोस्तों आप बोलते हैं फ्रीज, घरों में जो फ्रीज रहता है उसमें किस गैस का प्रयोग होता है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमोनिया गैस का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में, इसे भी याद रखेंगे। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 23वां क्या है? राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस देश में आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बन सकता है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल 2018 की ध्वजवाहक कौन थी? ठीक है, तो भारत की कौन ध्वजवाहक थी? पीवी संधु। कौन थी? पीवी संधु। इनका नाम भी दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 24वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष ग्रैंड स्लैम, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष ग्रैंड स्लैम 2018 का विजेता कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजर फेडरर। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष यानी ग्रैंड स्लैम 2018 के विजेता हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, रोजर फेडरर दोस्तों मारिन सिलिच को हराकर ये ग्रैंड स्लैम जीते, ठीक है, किसको हराकर? मारिन सिलिच को, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष यानी कि ग्रैंड स्लैम 2018 विजेता कौन होगा? रोजर फेडरर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 25वां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है और बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, कंपाला किसकी राजधानी है? कंपाला
किसकी राजधानी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युगांडा की राजधानी कौन है दोस्तों? कंपाला है, तो आपको इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। और दोस्तों आपको बता दूं इन सब प्रश्नों की दोस्तों पीडीएफ चाहते हैं, अगर आपको वीडियो की लिंक भी चाहिए सारे वीडियो को एक साथ, तो दोस्तों आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भी दिया हूं, और फेसबुक पेज पे भी दोस्तों लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको बता दूं इंस्टाग्राम भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ही रहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहेंगी जो हमसे रिलेटेड होती है, एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं। तो दोस्तों आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा, लाइक वाला सिंबल ऐसे बना होगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर वाला सिंबल ऐसे बना होगा। फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन डेली नहीं मिलती है, तो नीचे दोस्तों रेड कलर का इस टाइप से सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, आप यहाँ पर क्लिक करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। और बगल में बेल आइकन का दोस्तों सिंबल बनेगा, बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे दोस्तों। ये नोटिफिकेशन बेल आइकन है, जब ये ऑन रहेगी तो सारे वीडियोज़ की डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।